कई विरार मनपा आयुक्त के खिलाफ मनसे के ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव का हल्ला बोल। वसई विरार मनपा आयुक्त गंगाधरन ने जब से मनपा में कदम रखा है तब से कोई ना कोई विवाद अब तक सामने आ चुके हैं। आयुक्त की कार्य प्रणाली से कोई खुश नहीं है, जिसके पीछे जिम्मेदार खुद आयुक्त ही है, क्योंकि कई मौकों पर आयुक्त द्वारा विभिन्न राजनीतिक पार्टी से संबंधित उन समाज सेवा से सरोकार रखने वाले लोगों को दरकिनार किया गया है। फिर चाहे वह राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति कोई गंभीर सामाजिक ही लेकर क्यों नहीं मिलने गया हो, स्थानिक सत्ताधारी पार्टी का और आयुक्त का तो अब तक तालमेल जम ही नहीं पाया है। वहीं दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी आयुक्त से काफी शिकायतें हैं। ताजा मामला है जब मनसे ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव और उनके साथ कुछ दूसरे नेताओं के प्रतिनिधि मंडल वसई के वरुण इंडस्ट्री में बने कोविड केयर सेंटर में मरीजों को हो रही असुविधाओं की शिकायत करने, उनमें सुधार किए जाने हेतु सुझाव देने मनपा मुख्यालय में जाने लगे। तब आयुक्त द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना बनाते हुए कार्यालय में आने की अनुमति नहीं दी गई। उस पर मनसे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने आयुक्त के इस कृत्य को पक्षपात पूर्ण बताते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं अविनाश जाधव का आरोप था कि आयुक्त के केबिन में पिछले दिनों 8 से 10 शिव सैनिकों को अनुमति दी गई, तब कोई सोशल डिस्टेंसिंग की परेशानी नहीं थी और आज मनसे के प्रतिनिधि मंडल को रोक दिया गया। पेश है वसई विरार की खास रिपोर्ट। चार पॉइंट